शाही लिखड़ारे के इतिहास से मेरे आए न भरतार की तला दीवार गंगा धार पार का जाना। श्याम होगी लकड़हारा कश्ती लेने के लिए गया था, वापिस मुड़ा नहीं। वह बिना अपने पति के विलाप में चारों तरफ लखाते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आते। इतने में राजा जोधनाथ वहां पर पहुंच जाते हैं, उसको देख के और उसके पास आकर निकला कि बेटी कौन हो, कहां से आई हो, क्या यह काम है कि महाराज मेरे पति कश्ती लेने के लिए गए थे, श्याम होगी अब तक आए नहीं। आए फिर तुम आड़े श्याम का समय हो गया, अकेली तेरा आड़े रहना ठीक नहीं और मेरा फर्ज है कि अकेली को छोड़ के मैं जा सकता नहीं, बेटी तुम मेरे साथ चल। पता नहीं किस विपत्ता में हो, कौन से संकट में हो, बेटी तुम मेरे साथ चल और दिन लगते तेरे पति की तलाश करी जाएगी, उसको ढूंढा जाएगा। और यहां पर पता नहीं किस किस्म के लोग आवेंगे और जात के गायक होंगे। राजा जोधनाथ लड़की बिना से विनती करता, प्रार्थना करता कि बेटी तुम मेरे साथ चलो और आ रहे देख किस किस किस्म के कैसे कैसे लोग मिले, क्या करें। गंगा जी के दुनिया।
काफी ने हम पहले 100 रुपये चहल साहब रणवीर कोच जी और 100 रुपये से हमारा बहुत बढ़िया श्रोता भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया। दूसरी कली में क्या कहा, तेरे पति के मरण जीण का कौन पाट्या बेरा, मैं प्रदेशी तू प्रदेशणी कौन सनी पी, तेरा पति तेरे पास नहीं तुम दिख गोर अंधेरा, लुटे सुना तक डेरा और पार पार के और पार पार के आव खान ना झूठ बोझड़िए जाऊ फिर हम पहले मलिक साहब मदन जी 100 रुपये से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद किया जाता है। तीसरी कलीम क्या कहा, पतिव्रता पतिव्रता और रक्त की जड़ में पता के काम मेरा से मेरा लेख गौ गंगा कैसी बेटी धाम सब पवन की रक्षा करता रक्षक राम मेरा है, दोनों जान कर सेवा करते छत्री नाम मेरा है, ये पतिव्रता का ए पतिव्रता का धर्म संगति ना कोई चाचा दारू Hey।